तुम में काबिलियत है बाकर, लेकिन काम जरा मुश्किल है। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा पाओगे? हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मंडी न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टॉप 5 अपडेट के बारे में। तो इससे पहले आप मेरी वीडियो के थंबनेल को देखकर कमेंट सेक्शन में ये बोलो कि भाई आपने तो सिर्फ 4 अपडेट दिखाए, ये पांचवा अपडेट कहाँ से आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पांचवा अपडेट काफी ज्यादा आपको हिला डालेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते दिस वीडियो। तो सबसे पहला जो काफी कमाल का अपडेट है वो है ये कि रूसो ब्रदर ने एवेंजर एंड गेम में कैप्टन अमेरिका को उल्ट क्यों दिखाया। तो फाइनली आज के दिन उसका खुलासा हो चुका है। तो रूसो ब्रदर्स ने बताया अपने रिसेंट के इंटरव्यू में कि उन्होंने ऑलरेडी अपनी मूवी में एवेंजर एंड गेम में आयरन मैन और ब्लैक विडो को मार दिया था, देन ऑडियंस ज़्यादा इमोशनल ना हो जाए तो इसलिए उन्होंने कैप्टन अमेरिका को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया और कैप्टन अमेरिका को उल्ट दिखाया। और इसलिए सिर्फ ये रीज़न था कि ऑडियंस अगर ज़्यादा इमोशनल हो गई तो वो थिएटर के बाहर रोड दंगा कर देगी। ये बात फैक्ट है, यूएस में ये आम नॉर्मल बात है। अगर किसी को पिक्चर पसंद नहीं आती है तो लोग दंगा कर देते हैं और देन स्टूडियो को काफ़ी ज़्यादा घाटा होता है और उन्होंने कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो ऐसी मूवी काफ़ी हैं जिनकी स्क्रिप्ट को चेंज करना पड़ा सिर्फ ऑडियंस के लिए। तो रूसो ब्रदर ने ये जानबूझ के करा क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता था कि दो कैरेक्टर मर चुके हैं, अगर कैप्टन अमेरिका मरा तो ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाएगी, तो इसलिए उन्होंने कैप्टन अमेरिका को ओल्ड दिखाया। तो गाइस, सिंपल यही रीज़न था कैप्टन अमेरिका को ओल्ड दिखाने का। देन उसी के बाद बात करते हैं अब सेकेंड अपडेट के बारे में। तो सभी जानते हो कि क्रिस हेम्सवर्थ की बेटी जिसका नाम है इंडिया, तो उसका अगर फुल नेम की बात करी जाए तो इंडिया रॉस हेम्सवर्थ, ये उसका फुल नेम है। तो सबसे बड़ा रीज़न था कि थॉर ने अभी हाल ही में रिवील्ड करा कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम इंडिया क्यों रखा गया। तो उन्होंने रिवील्ड जो कराया ना वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, ये शायद किसी को बात नहीं पता होगी। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने अपने MI के एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनकी पत्नी जिनका नाम है एल्सा, वो कुछ टाइम तक भारत में गुजरात और काफ़ी जगह ट्रेवल कर रही और उन्हें इंडिया इतना ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने इंडिया के जो संस्कार होते हैं और उन्होंने इंडिया का जो खाना पीना जो भी मतलब उन्होंने करा इंडिया में जितनी भी एक्टिविटीज़ करी वो सब उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद आई, तो उन्होंने फैसला कर लिया अगर मेरा कोई बच्चा हुआ या बेटी हुई तो वो उसका नाम इंडिया रखेंगे। और देन क्रिस हेम्सवर्थ ने ये बात खुद रिवील्ड करी कि उन्हें इंडिया इतना ज़्यादा पसंद है वो इन फ्यूचर आगे काम भी करना चाहेंगे और इंडिया में शूटिंग भी करेंगे, देन उनकी अपकमिंग मूवी ढाका भी आ रही है। तो क्रिस हेम्सवर्थ ने ये चीज़ जब से रिवील्ड करी है तो मेरे को तो और ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है इंडिया पे, और देन पहले तो बहुत ही ज़्यादा था, अब और ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बाहर के लोग इंडिया में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और देन अपने बच्चे का नाम इंडिया रखना बहुत बड़ी बात है। तो सलूट है भाई क्रिस हेम्सवर्थ को क्योंकि उन्होंने अपनी एक बच्ची का नाम इंडिया रखा। देन अगला और थर्ड अपडेट है काफ़ी कमाल का, क्रिस पेट का। तो आप सभी जानते हो ये स्टार लॉर्ड का मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रोल प्ले करते हैं और इन्होंने अभी हाल ही में दूसरी शादी करी है और इससे पहले उन्होंने 2017 में अपनी बीवी से अलग हो चुके थे और देन उसी के साथ वो 29 वर्षीय कैथरीन के साथ डेटिंग कर रहे थे और क्रिस हेम्सवर्थ 29 साल के यानी 39 के, तो इनमें 10 साल का फ़र्क है, यानी 29 की कैथरीन है, 39 की क्रिस प्रेट है और ये काफ़ी टाइम से अपने आप को डेट कर रहे थे और फाइनली आज इन्होंने शादी कर ली। और इन्होंने शादी किससे करी है, कैथरीन एक्चुअल में एक राइटर भी है और अर्नाल्डो की बेटी है, जी हाँ वो ही अर्नाल्डो जो कि ऑलरेडी टर्मिनेटर मूवी में काम कर चुके हैं, तो आप इन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसा छक्का मारा क्रिस पेट ने, इतनी बड़े एक्टर की बेटी को फंसा लिया, कह सकते हो कुछ भी, मैं तो एक मजाक के तौर पे कह रहा हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। देन उसी के साथ जो फोर्थ अपडेट है काफ़ी कमाल का, जस्टिन बीबर वर्सेज टॉम क्रूज UFC फाइट। तो गाइस आपको अगर नहीं पता है तो जस्टिन बीबर ने अभी हाल ही में टॉम क्रूज को चैलेंज करा है फाइट के लिए। UFC फाइट में कोई भी सेलिब्रिटी सामने वाले को चैलेंज कर सकती है लड़ने के लिए और देन ये काफ़ी बड़े लेवल का मैटर हो चुका है। अब देखते हैं कि टॉम क्रूज इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं और क्या लगता है आपको, टॉम क्रूज इतने बड़े लेवल के एक्टर हैं और देन उनका इतना टाइम शूटिंग में जाता है, उनकी अपकमिंग मूवीज होती हैं और वैसे भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो क्या वो इस बच्चे से या फिर एक छोटे से सिंगर से लड़ेंगे? टॉम क्रूज के अगर कंपेरिजन में देखा जाए, देन उनके फैंस कमेंट सेक्शन में मुझे गलत मत बोलना, मैं एक बात फैक्ट बोल रहा हूँ, टॉम क्रूज और जस्टिन बीबर का अगर लेवल देखा जाए तो जमीन आसमान का फ़र्क है और मुझे नहीं लगता कि टॉम क्रूज जस्टिन बीबर से लड़ेंगे। देखते हैं अभी फाइनल अपडेट क्या आता है, पर जो जस्टिन बीबर ने करा है टॉम क्रूज को फाइट चैलेंज दिया है, आपको क्या लगता है क्या होगा इन फ्यूचर और कौन जीतेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब बात करते हैं काफ़ी कमाल के सरप्राइजिंग अपडेट के बारे में। नंबर 5, आप सभी जानते हो कि आशीष चंचलानी कौन है, इंडियन यूट्यूबर्स, और अब ये अपडेट जानने के बाद आप और ज़्यादा उनके फ़ैन होने वाले हो। तो आशीष चंचलानी ऑफिशियली अपकमिंग मूवी में आ रहे हैं मैन इन ब्लैक, उन्होंने ऑफिशियली अपने ट्विटर अकाउंट इंस्टाग्राम पर रिवील कर दिया है और एक छोटा सा सीन उन्होंने निकाल के अपने इंस्टाग्राम पर भी डाला है और आशीष चंचलानी आ रहे हैं मैन इन ब्लैक मूवी में। और देन सबसे बड़ी बात
कि ये इंडिया में इतना ज़्यादा प्राउड वाला मूवमेंट है, क्योंकि आशीष चंचलानी हर एक सेलिब्रिटी से मिल चुके हैं, मार्वल फैंस तो हैं ये बहुत बड़े, और अब वो धीरे धीरे हॉलीवुड में घुसते जा रहे हैं। एक सीन होना एक यूट्यूबर का, ये समझ लीजिए मतलब जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उन सबों को उन्होंने पीछे कर दिया। आप कैसे भी कह सकते हो, मतलब मैं तो मतलब खुशियाँ जो मेरी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और आप ऑफिशियली जाके चेक कर सकते हो वो क्लिप जो आशीष चंचलानी ने डाली है। पर एक मूवी में आना, वो भी हॉलीवुड की इतनी बड़ी मूवी मैन इन ब्लैक, बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली में आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैना उसके हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।